तो दोस्तों फाइनली रेनॉल्ट ने भी इंडिया में अपना एक नया प्रोडक्ट रेनॉल्ट क्विड न्योटेक के एडिशन को लॉन्च कर दिया है। रेनॉल्ट क्विड के इस न्योटेक एडिशन को कंपनी ने स्पेशली एंट्री लेवल कार कस्टमर को ध्यान में रखकर इंडिया में लॉन्च किया है और ये कार खास तौर पर उन लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होगी जिन्हें कम कीमत में एक स्टाइलिश कार चाहिए। और खास तौर पर कंपनी ने इस कार को 50 सीजन के नजदीक लॉन्च किया है तो ये कार उन लोगों के लिए काफी अच्छा ऑप्शन होगी जो कि 50 सीजन में एक नई कार बाय करना चाहते हैं। और कंपनी ने स्पेशली इस कार को लॉन्च ही इसी पर्पज से किया है ताकि 50 सीजन में ज्यादा से ज्यादा कस्टमर इस कार को खरीदें। कंपनी ने रेनॉल्ट क्विड के इस न्योटेक एडिशन को इंडिया में 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है। आगे वीडियो में इस कार के बारे में मैं डिटेल में बात करने वाला हूं। तो आइए दोस्तों चलिए जान लेते हैं रेनॉल्ट क्विड के इस न्योटेक एडिशन में क्या कुछ खास है। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर न्यू आने वाले वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँचते रहें। सबसे पहले बात करें इस कार के एक्सटीरियर की, क्योंकि दोस्तों कार के एक्सटीरियर को ही सबसे ज़्यादा अपग्रेड किया गया है। कार के एक्सटीरियर में आपको न्यू डिज़ाइन स्कीम देखने को मिलेगी और कार का एक्सटीरियर भी न्यू लग रहा है और अपीलिंग भी है। सबसे पहले कंपनी ने रेनॉल्ट क्विड के इस न्योटेक एडिशन को डुअल पेंट स्कीम में ऑफर किया है। रेनॉल्ट क्विड के इस न्योटेक एडिशन को कंपनी ने एक लाइट ब्लू कलर दिया है। कंपनी इसे जैंस्कर ब्लू कलर कह रही है जो कि लाइट ब्लू कलर होता है। और वहीं कार के रूफ पर कंपनी ने मूनलाइट सिल्वर कलर दिया है जो कि कार को काफ़ी ज़्यादा प्यारा लुक दे रहा है और अट्रैक्टिव भी लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा। साथ ही में कंपनी ने क्विड के न्योटेक एडिशन में न्योटेक की बेजिंग भी दी है। साथ ही के साथ कंपनी ने कार के व्हील्स को भी चेंज किया है और कंपनी ने इस मॉडल में वोल्केनो ग्रे कलर के फ्लेक्स व्हील दिए हैं। कार की साइड में डोर की तरफ कार की बॉडी क्लैडिंग को चेंज कर दिया गया है। इस वाले मॉडल में आपको कुछ अलग तरह की कुछ स्पोर्टी सी बॉडी क्लैडिंग देखने को मिलने वाली है। साथ के साथ कार के सी पिलर में एक 3D डेकल भी दिया गया है जो कि कार में कुछ देखने में थोड़ा अट्रैक्टिव लग रहा है। बाकी कार के बी पिलर को ब्लैक कर दिया गया है और कुल मिलाकर दोस्तों ये कार काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव और अपीलिंग लग रही है। इंटीरियर की तरफ चलें तो कार के इंटीरियर में भी कंपनी ने कई सारे मॉडिफिकेशन किए हैं जो कि देखने में कार में थोड़ा प्रीमियम अपील दे रहे हैं। जैसे कि कार के इंटीरियर में कंपनी ने कुछ नए क्रोम इंसर्ट दिए हैं जिससे कि ये कार थोड़ी अपमार्केट लगती है। कार के इंटीरियर में कैबिन में आपको फैब्रिक सीट्स मिलने वाली है और इंटीरियर में सीट्स को भी कुछ लाइट ब्लू कलर दिया गया है। और कार के स्टीयरिंग व्हील और बाकी कुछ जगह पर आपको थोड़े थोड़े ब्लू कलर के एफेंट देखने को मिल जाएंगे और देखने में कार का इंटीरियर नॉर्मल मॉडल से थोड़ा प्रीमियम लग रहा है। फीचर्स की बात करें तो कार के कैबिन में आपको फीचर्स के तौर पर 7 इंच की टच स्क्रीन टाइम सिस्टम मिलेगी जो कि एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, USB और ऑक्स कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स को सपोर्ट करती है। साथ ही के साथ कार में मल्टी फंक्शनल स्टीयरिंग व्हील और क्लाइमेट कंट्रोल जैसे फीचर्स आपको मिलने वाले हैं। और फीचर्स को कंपेयर किया जाए तो ये कार सेगमेंट के बाकी गाड़ियों की तरह इस कार में थोड़े आपको अपमार्केट फीचर्स थोड़े बहुत देखने को मिल जाते हैं। बात करें इसके इंजन की तो क्विड के इस न्योटेक एडिशन में आपको नॉर्मल क्विड की तरह ही इंजन मिलने वाला है। कार में 0.8 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन और 1.0 लीटर का पेट्रोल इंजन ऑप्शन दिया जाता है और ये कार 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 5 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ऑप्शन में अवेलेबल है। कंपनी ने क्विड के इस न्योटेक एडिशन को इंडिया में 3 वेरिएंट्स में लॉन्च किया है जो है न्योटेक RXL 0.8 लीटर वाले इंजन के साथ, न्योटेक RXL 1.0 लीटर इंजन के साथ जो कि मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन में मिलता है और न्योटेक RXL 1.0 लीटर के ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन वाले इंजन ऑप्शन के साथ। और क्विड के इस न्योटेक एडिशन की इंडिया में शुरुआती एक्सरूम कीमत करीब करीब 4,30,000 रुपये से शुरू होकर 5,00,000 रुपये तक रखी गई है। तो दोस्तों अगर आप रेनॉल्ट क्विड को लेने की सोच रहे थे और अगर आप चाहते हैं कि क्विड में आपको थोड़े बहुत स्पोर्टी इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे और गाड़ी का लुक थोड़ा इम्प्रूवड हो तो आप इस कार की तरफ स्विच कर सकते हैं। वैसे आपको दोस्तों क्विड में ये मॉडिफिकेशन कैसे लगे कमेंट करके बताएं और ये वीडियो भी पसंद आया हो तो फिर लाइक करें और साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक यू वेरी मच। आपका दिन शुभ रहे।